आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उद्देश्य को साकार करने के लिए पथ विक्रेताओं ने जन अंतर्गत आज विधायक निधि से पथ विक्रेता भाइयों बहनों को गुमटी एवं हाथ ठेलों का वितरण किया, क्योंकि गरीबों की जिंदगी को आसान और सुखद बनाना ही माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री सहित हमारी राजनीति का ध्येय है। थोड़ी सी सहायता देकर हम गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। हमारे से ज्यादा उन्नत जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो देश भी ऐसी कोरोना की भयंकर महामारी के समय में भारत के लोगों ने भी हो चाहे गरीब व्यक्ति हो अपने घरों में सिमट गए। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर सारा देश एक साथ बन उसी समय में हमने क्या कि सारा समाज सारे वाहन बंदे रास्ते बंदे 3 दिन तक पैदल घूम घूम करके लोगों से संपर्क के लोगों के सामने जो हाथ फैलाए तो लाखों रुपए के चेक है के व्यापारियों ने दिए, चाहे सीटी हो चाहे गांधी 40 लाख रुपए से ज्यादा है से और किसान भी कोई पीछे किसानों का संतरा बिकने वाला था। लॉकडाउन के नाम पर उनके ट्रक रोक दिए गए थे, लेकिन जब सरकार ने निर्णय किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने निर्णय किया कि जो संतरा है संतरा जाने देंगे, उनका हम लॉकडाउन से अलग करते हैं। अद्भुत उदाहरण भारत की जनता ने दिया, जिसे सुजालपुर के क्षेत्र की जनता भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी मुट्ठी खोली समाज के लिए, अपने लोगों के लिए मुट्ठी खोली। विपरीत परिस्थिति में हमारा धन किस काम आएगा, तो उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे नहीं, हम लोगों ने भी एक क्रम बनाया, बहुत क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे, कोरोना था, इसलिए सुजालपुर में घूमना और साइकिल से घूमना। 10-15 ऐसे लोगों की टीम बन गई और सुबह सुबह जल्दी उठ करके हम जाते थे, फिर किसी मोहल्ले तक पहुंचते थे। सुजालपुर से EMS TV के लिए संतोष सूर्या परमार की रिपोर्ट।